सो बोलो क्या कह रहे थे आप, कौन सा टॉपिक आपको करना है? हाँ जी बोलिए बेटा, जो टॉपिक आपको करना है बता दो, मैं करवा देता हूँ और अकॉर्डिंगली वी विल मैनेज द थिंग्स। मोमेंटम कंजर्वेशन कह रहे हो, और देख लीजिए कौन सा टॉपिक है आपका, न्यूटन सेकंड लॉ को क्या करना है, सारा डिराइव करना है। करवा देता हूँ बेटा, करवा देता हूँ। कौन सा? ये रोज रोज ये करते हैं, रिकॉइल ऑफ द गन कल भी किया था। This girl, come on, here. Momentum conservation, recoil of the gun. Equations of motion, ये कह रहे हो आप? Only third one. Graph से करवा देता हूँ बेटा। So let us start बेटा। पहले साथ साथ नोट करना होगा आपको मोमेंटम कंजर्वेशन बेटा, एंड स्टॉप टॉकिंग बेटा नाउ एंड फोकस ऑन द बोर्ड। मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या सिंपली मोमेंटम कंजर्वेशन भी हम बेटे इसको कह दिया करते हैं। ये जो कंसेप्ट है बेटा, स्टेटमेंट पार्ट इसका क्या है, मोमेंटम कंजर्वेशन इट स्टेट्स दैट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम कॉमा द नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, द नेट मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। कंजर्व्ड की जगह पे आप कॉन्स्टेंट भी लिख सकते हो, इसमें कोई डिफरेंट बात नहीं है। ये स्टेटमेंट पार्ट है, इसका हमें प्रूफ भी देना पड़ेगा, हम अपनी तरफ से ऐसे नहीं कह सकते हैं कि ये ऐसा ही है। इन ऑर्डर टू हैव द प्रूफ ऑफ द सेम, इमेजिन कर लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है M1, इस ऑब्जेक्ट का मास है, इस ऑब्जेक्ट का नाम आपने A ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एंड इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी से U1, और एक और ऑब्जेक्ट है हमारे पास, लेट इट बी मार्क्ड एज B ऑब्जेक्ट, M2 इसका मास है और ये U2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर ये वेलोसिटी इससे ज्यादा होगी तो डेफिनेटली कोलाइड कर जाएंगे, इनके बीच में कोलिजन हो जाएगा, टक्कर हो जाएगी दोनों की। इस जगह पर जब इनका कोलिजन हुआ, ए ऑब्जेक्ट का और बी ऑब्जेक्ट का, आफ्टर दे आर गेटिंग कोलाइडेड, इसके बाद ए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बदल जाती है, लेट इट इज मूविंग नाउ विद वेलोसिटी बी वन एंड लेट द ऑब्जेक्ट बी इज मूविंग विद वेलोसिटी से बी टू बेटा। मासेस में तो कोई चेंज आना नहीं है, कोलाइड होने पे मास नहीं बदलेगा। ये ए ऑब्जेक्ट, ये बी ऑब्जेक्ट, ए ऑब्जेक्ट ने बी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया, सो दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट बी, इसकी वजह से ड्यू टू द ऑब्जेक्ट ए,
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट बी ड्यू टू द ऑब्जेक्ट ए, अगर मैं इस बोर्ड को ऐसे पुश करूंगा, धक्का लगाऊंगा, तो रिएक्शन आई विल गेट बैक. अब ये इस पे धक्का लगा रही है, इट विल गेट द रिएक्शन बैक, तो ये रिएक्शन इसके ऊपर जो इस तरफ लग रहा है, दैट वी कॉल एज द फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, दिस इज द रिएक्शन फोर्स बेटा. न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट बी ड्यू टू द ऑब्जेक्ट ए, दिस इज नेगेटिव ऑफ द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ए ड्यू टू द ऑब्जेक्ट बी. अब न्यूटन सेकेंड लॉ आपको डायरेक्टली इंटीमेट कर देता है, फोर्स जो है इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. अब क्योंकि फोर्स किस ऑब्जेक्ट पे लग रही है, ये किस पे लग रही है, बी पे, तो मोमेंटम का रेट किसका निकालेंगे, बी का. तो वी विल से दैट दिस इज चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट बी, राइट बेटा, पर यूनिट टाइम. ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बना. इस तरफ नेगेटिव साइन है आपके पास, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स किस पे लग गई, ए पे, तो मोमेंटम का चेंज किसका निकालेंगे, ए का. तो चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट ए डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, राइट बेटा, टाइम दोनों के लिए सेम है, इट विल गेट कैंसल्ड. मैं टॉप पे लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखना. वी विल ओवर हियर से दैट डेल्टा पी बी, बी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम का चेंज, ये बच गया हमारे पास, डेल्टा पी बी, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा पी ए. बेटा आप बताओ, बी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में कितना चेंज आया, बैठे बैठे बोल दो, बी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में डायग्राम देख के बताइए कितना चेंज आया है, हैं? एक मिनट पुत्र, एक मिनट, लेट हर, कोई चांस तो दें उस गुड़िया को. बी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में बेटा कितनी चेंज आई है, आई है कि नहीं आई है, कितनी आई है, आप बैठे बैठे बोल देना है, बी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में कितना चेंज आया है, डायग्राम देख के बताइए. पीछे गुड़िया बैठी है, वेरी नाइस, ये फाइनल मोमेंटम m2 v2 इनिशियल m2 u2, इतना ही चेंज आया है. देखिए ये बन गया था आपका m2 v2, फाइनली कितना मोमेंटम था, और इनिशियली आपके पास कितना है, m2 and u2, दिस इज नेगेटिव ऑफ पी ए, डेल्टा पी ए. ये बच्चा बोलेगा कॉर्नर पे बैठा है इधर, डेल्टा पी ए, डायग्राम देके फटाफट बताइए, इट इज, हाँ बेटे दिस इज नॉट गुड, ए ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में कितना चेंज आया है, एक मिनट बेटा, एक मिनट, एम वन वी वन, एम वन, पक्का, दोबारा बोल दीजिए एक बार, एम वन वी वन माइनस, जरा ध्यान से बोलो, दोबारा बोलो एक बार, हाँ हाँ, वेरी गुड, अब आपको याद हो गया ना, सो दिस इज इक्वल टू एम वन वी वन माइनस एम वन एंड यू वन बेटा, ठीक है बेटे. सो बेटा ये नेगेटिव साइन को इस ब्रैकेट के अंदर ले जाइए, वी विल गेट दैट एम टू वी टू माइनस एम टू यू टू, दिस इज इक्वल टू माइनस एम वन वी वन, माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों, एम वन यू वन, ठीक है जी. सो इसको मैं बेटा नेगेटिव वाली टर्म्स का, नेगेटिव का साइन खत्म करने के लिए दूसरी साइड पे ले जाता हूं. इसके साथ नेगेटिव साइन है, इधर इधर इसके साथ है, इसको इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ. ये टर्म एस एच रह गई, एम टू वी टू, इसको मैंने नहीं बदला, इसको मैं उठा के इधर ले आया, ये आ गया एम वन वी वन
ये एम वन यू वन आपके पास पढ़ाई है, ये टर्म को मैं उधर ले गया एम टू यू टू, ये लेफ्ट साइड आपकी क्या इंडिकेट करती है, देखी देखी लग रही है कहीं के नहीं, फाइनल मोमेंटम किस चीज का, किसका, बी का नहीं, देख के बताओ डायग्राम सामने आपके, किस चीज का फाइनल मोमेंटम, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स का बेटा आफ्टर द कोलिजन, फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आफ्टर द कोलिजन, और उस तरफ क्या है इनिशियल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, यही प्रूव करना था, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं, अब हो जाएगा इजीली अगर पेपर में आता है तो। और कौन सा टॉपिक है, बैठो बैठो कहां जाना है, बैठे रहो आराम से, और कौन सा कह रहे थे आप, न्यूटन सेकंड लॉ कह रहे हो, ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स, ओके थोड़ा लिख लो साथ साथ तो अच्छा होगा, अच्छा उधर पीछे लिखा हुआ है, अब बेटे सारे बच्चों को समझ आ गया ये, चलिए देन बेटा ग्रेविटेशनल यूनिट्स फोर्स के भी देख लीजिए, ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स क्या हैं, और ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स बेटा दो तरह के यूनिट्स बेटे हम फोर्स की स्टडी किया करते हैं, एक एब्सोल्यूट और दूसरे ग्रेविटेशनल। एब्सोल्यूट यूनिट्स जैसे आप जानते ही हैं वो बेटे बदलते नहीं है, प्लेस टू प्लेस उसमें कोई चेंज नहीं आता, और न्यूटन और डाइन ये आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एब्सोल्यूट यूनिट्स हैं एसआई और सीजीएस सिस्टम में, इनकी बात हमको नहीं करनी प्रेजेंटली बिकॉज आप ग्रेविटेशनल यूनिट्स की बात कर रहे हो। जो ग्रेविटेशनल यूनिट्स हैं आपके बेटा ये किलोग्राम फोर्स एंड ग्राम फोर्स, या आप इसको किलोग्राम वेट या इसको ग्राम वेट भी कह सकते हो, ये दो आपके पास यूनिट्स हैं। एब्सोल्यूट के बाद जो ये ग्रेविटेशनल यूनिट्स हैं, जैसे नाम से हमें थोड़ा सा बच्चों अंदाजा हो जाता है कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करते हैं स्मॉल जी के ऊपर। अब देखो स्मॉल जी तो हर जगह सेम नहीं है, बदलता है, अर्थ की पोल पे और है इसकी वैल्यू, इक्वेटर पे और है, और अर्थ के सेंटर पे चले जाओगे तो जीरो हो जाता है, मतलब बदलता रहता है, कॉन्स्टेंट नहीं है। और अगर आप कहीं अर्थ से किसी और प्लेनेट पे चल जाओ तो वहां पर तो इसकी वैल्यू बिल्कुल बदल जाएगी। इट विल मीन दैट बेटा कि जो हमारे ग्रेविटेशनल यूनिट्स हैं ये फिक्स्ड नहीं है, ये प्लेस टू प्लेस प्लेनेट टू प्लेनेट इनमें चेंज आता जाता है। क्यों? बिकॉज दीज आर डिपेंडेंट अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, जो कि अर्थ के लिए अलग है उसकी वैल्यू, किसी और प्लेनेट के लिए अलग होगी, और दैट आल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस। सो एसआई सिस्टम में ये आपके पास किलोग्राम वेट है, एंड सीजीएस सिस्टम में आपके पास ग्राम वेट है। डेफिनेशन बेसिक वही रहेगी, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, इसमें कोई चेंज नहीं। आप जानते हैं अगर मास एम हम 1 किलोग्राम का ले लें, कोई ऑब्जेक्ट 1 किलोग्राम मास का लिया आपने और उस पे आपने इतना फोर्स लगाना है ताकि जो एक्सेलरेशन है वो जी के बराबर, मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर उसमें प्रोड्यूस हो जाए। फिर से ध्यान दो, मान लो ये चौक बॉक्स मेरे पास, इसका मास 1 किलोग्राम है, वैसे इतना है नहीं, हल्का है ये, अगर ये 1 किलोग्राम का है इस पे मैंने इतनी ज्यादा फोर्स अप्लाई कर देनी है कि ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस हो जाए, तो वो फोर्स जो है उसको हम बेटे 1 किलोग्राम वेट बोलेंगे। सो इन दिस मैनर बेटा आपका जो 1 किलोग्राम वेट है, इट इज दैट मच फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ
1 meter per second square in an object of mass 1 kilogram. कोई मुश्किल वाली बात तो नहीं लग रही, आसान, सीधी सीधी बातें हैं, फिजिक्स वैसे ही बहुत आसान है, लेकिन ऐसे नहीं, सीधे बैठना है. यू मस्ट बी रेगुलर. आज का काम अगर आप कल पे नहीं छोड़ेंगे तो फिजिक्स से आसान कुछ नहीं, और अगर आप आज का काम कल पे छोड़ेंगे इससे मुश्किल भी कुछ नहीं है. दोनों तरफ है काम, राइट. जब क्लास में है ध्यान 100% इधर. देन अगर आप मास ले लो 1 ग्राम का, 1 ग्राम मास का आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, आपने इस पे कोई फोर्स एफ अप्लाई किया, इतना फोर्स अप्लाई करिए कि इसमें एक्सेलरेशन जो है ये 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी इतना ही होता है ना सीजीएस में, इतनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए, देन आपका जो फोर्स है ये 1 ग्राम वेट कहलाएगा. 1 ग्राम इंटू 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. बेटा कहीं है कोई बात मुश्किल, बताओ इन दोनों में, इसमें और इसमें कह रहे हो. अभी करवा देते हैं, चिंता क्यों करते हो आप. ये देखो रिलेशनशिप भी देख लो, हमने अभी अभी, बेटे आप बहुत बातें करते हैं, वो पूछता है आप बताते तो है ना, मैं नहीं बात करता, वो मेरे से बात करने की कोशिश करता है. बहुत अच्छी बात है ये, है ना. अगर आप नहीं ऐसे बैठेंगे फिर आपका सीट बदल के आपको फ्रंट पे लेके आया जाएगा. आपने अभी अभी कहा था F इज इक्वल टू एम इन टू ए, राइट. बेटा आपका 1 किलोग्राम वेट का फोर्स था, 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट था, इसमें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन था, और इसको राइट साइड को अगर मैं रीअरेंज कर लूं, 9.8 को मैं पहले लिख लेता हूं, इट इज 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. जरा देखिएगा ये चीज आपको कहीं देखी देखी लगती है, कहां. नहीं इधर नहीं देखना इसको, अदरवाइज ये किसके बराबर है ये पूछ रहा हूं मैं. यू रिमेंबर दिस और नॉट, इट इज न्यूटन, राइट. सो दिस इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन. सो 1 किलोग्राम वेट आपका 9.8 न्यूटन के बराबर आ जाएगा. सो वैसे तो आपसे ये किसी ने पूछना नहीं है, थोड़ा आपको जब बड़ी क्लास में हो जाते हैं तभी पूछते हैं, लेकिन मैंने फिर भी करवा दिया था कि बच्चों को एटलीस्ट पता जरूर हो कि क्या क्या चीजें हैं. यस बेटा और बताइए. रिकॉयल ऑफ द गन, पहले ही बोल देते उसके साथ करवा देता मैं. हाँ उसने बोल दिया नहीं करना. देखो रिकॉयल ऑफ द गन, रिकॉयल बहुत, बेटी आवाज आ रही है आज, कुछ डिस्टर्बेंस ही लग रही है आपकी, है टेस्ट की वजह से, परेशान तो नहीं हो. इसमें क्या परेशानी, आप पहले कितने टेस्ट दिए आपने. रिकॉयल ऑफ द गन, बच्चों रिकॉयल ऑफ द गन जो है ये आपका मोमेंटम कंजर्वेशन का एक एप्लीकेशन है. पहली बात ये है, इसमें आपको जरा बेटा समझाने के लिए मैं डायग्राम की हेल्प ले रहा हूं. इमेजिन कर लो ये एक गन है, टॉय गन भी आप कह सकते हो, ये टॉय गन कह लो या वैसे ही गन कह लो, जो मर्जी कह लो. और इस गन के साथ आपने कुछ इस तरीके का सेटअप इमेजिन कर रखा है, यू कैन से लाइक दिस, राइट बेटा. गन के अंदर बेटे बुलेट जरूर होना चाहिए. इमेजिन कर लीजिए ये इसके अंदर आपने शेल या बुलेट फिल कर रखा है. मास ऑफ द बुलेट, छोटी सी गोली है, इसका मास भी छोटा सा स्मॉल एन कह देते हैं. बड़ी गन है, इसका मास बड़े वाला एन कह देते हैं. और जब आप इस
ट्रिगर को प्रेस करते हो टॉय गन के केस में, तो ये बुलेट जो है इट स्टार्ट्स मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि छोटी है वेलोसिटी मैंने स्मॉल वी में लिख दी इसकी, छोटी चीज है। गन आपकी जो है बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी को बड़े वाला वी लिख दिया। अब बेटे देखो, जब आपने ट्रिगर को नहीं दबाया बिफोर फायरिंग, आपका जो इनिशियल मोमेंटम होगा आप लिखवाओगे कितना होगा बेटा? क्यों पुत्र? वेलोसिटी जीरो है, बुलेट की भी जीरो है, गन की भी जीरो है। अगर आपको फिर भी थोड़ा सा डाउट हो तो मास ऑफ द गन वेलोसिटी ऑफ द गन प्लस मास ऑफ द बुलेट वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, तो ये ऐसे करके जीरो लिख देना है। अगर आपको थोड़ा सा भी लगे डाउट हो जाए कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है। सेकेंडली, फाइनल मोमेंटम ऑफ द गन आफ्टर द फायरिंग, मास इंटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, ये आपका एम इंटू वी आ गया। देखो आपको आता है फिर भी पूछी जा रहे हैं, हैं? आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया, इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आपने अप्लाई किया, आपका फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के बराबर आ जाएगा। जस्ट आप इक्वेट कर दो, आपको बी मिल जाएगा। एम इंटू बी प्लस एम इंटू वी इज इक्वल टू जीरो, और आपका कैपिटल वी बन गया माइनस एम इंटू वी अपॉन एम। देखो आता है फिर भी पूछी जा रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, एक्सप्लेन व्हाई द सोल्जर्स आर एडवाइज टू होल्ड द गन टाइटली विद देयर शोल्डर्स ड्यूरिंग फायरिंग। इट इज एक बच्चा बोलो ऐसे, पता ही नहीं चल रहा क्या कह रहे हो आप। एनी वन? हाँ जी आप बोल दीजिए। वेरी गुड। कोई और बच्चा कुछ बोलना चाहेगा पुत्र? ठीक कहा इसने बच्चे ने। ठीक है बेटे, बिल्कुल ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब आप गन को टाइटली शोल्डर्स के साथ पकड़ के रखते हो फायर करते टाइम, आपकी बॉडी और गन एक सिस्टम बन जाता है, और आपकी अपनी बॉडी का मास इस गन के साथ अटैच होकर डिनोमिनेटर में जब जाएगा तो बड़े वाला एम बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, मान लो 15 किलोग्राम का गन है और हमारा मास मान लीजिए एवरेज हम 50 भी कह लें, तो 50 प्लस 15 65 हो गया, तो डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो जाता है। उससे क्या होता है कि कैपिटल वी की वैल्यू कम हो जाती है, छोटी हो जाती है। कैपिटल वी आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में किक करता है, आपके शोल्डर्स पे फोर्स अप्लाई करता है। सो अगर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में कम फोर्स के साथ मूव करेगा, वेलोसिटी कम होगा तो ऑटोमेटिकली फोर्स भी कम होगा, तो जो पर्सन हैं ऑपरेट करने वाले उनको इंजरीज फेस नहीं करनी पड़ेंगी। अदरवाइज अगर आप टाइटली शोल्डर्स के साथ नहीं पकड़ के रखोगे तो उस केस में क्या है कि पर्सन को इंजरीज हो सकती है। आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा कि मेवी मूवीज में देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी जो कैनन्स होती हैं, तोप जिसको बोलते हो आप अपनी लैंग्वेज में, उसको बेटे जब वो चलाते हैं, बेटे सुन लेना जरा बात, आपने पिक्चर्स वगैरह में देखा होगा, उसके टायर खोल के रख देते हैं साइड पे, आपने कभी नोटिस किया होगा। अगर वो टायर नहीं खोलते हैं या अगर टायर नहीं खोलनी हो तो वो एक पिट बना लेते हैं दोनों टायर्स के नीचे, उसको उसमें जो है एडजस्ट कर लेते हैं। उसका रीजन बेटे ये होता है कि जो कैनन का शेल होता है काफी वेट उसका ज्यादा होता है, काफी ज्यादा वेलोसिटी से मूव करता है एट द टाइम ऑफ फायरिंग, और वो जो मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए उतना फोर्स वो कैनन पे बैकवर्ड डायरेक्शन में भी लगेगा। अगर आप टायर नहीं खोलते या पेट नहीं बनाते तो वो पीछे को काफी ज्यादा दूर तक डिस्प्लेस हो जाएगा और आपको उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा कैनन को बेटा।
So that is why it is operated while having the wheels derailed as such on the ground beta. Clear butter? कोई और बच्चा यहाँ पे थर्ड इक्वेशन कोई बच्चा आप कह रहे थे फ्रॉम द ग्राफ और अदरवाइज ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड से बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आइए देखें डिराइव करके कैसे हो सकती है कैसे कर सकते हैं हम एंड ऑल दैट. लेट अस फोकस ऑन दिस बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफ से कैसे डिराइव किया जा सकता है. बी टी ग्राफ इमेजिन कर लीजिए आपने इन एक्सिस पे वेलोसिटी और इन एक्सिस पे आपने टाइम टी इमेजिन किया है इन दिस मैनर. आपको याद होगा हमने जब ग्राफ ड्रॉ किया था इट वॉज जस्ट लाइक दिस बेटा ऐसा ग्राफ था हमारा. ये आपका इनिशियल वेलोसिटी है वो ए के बराबर परपेंडिकुलर आप यहां से ड्रॉ किया करते हो इन दिस मैनर. इसको भी आप ऐसे कर दिया करते हो ये बी और आई थिंक इसको आप सी इसको डी कुछ ऐसे नाम कोई भी रख सकते हो आप हार्डली मैटर्स. अब बेटे वी टी ग्राफ की इंपॉर्टेंस क्या है आप जानते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वी टी ग्राफ. वो गुड़िया लास्ट वी टी ग्राफ की बेटे इंपॉर्टेंस क्या है. एक्सेलरेशन कैसे स्लोप से एक्सेलरेशन निकल गई और हाँ जी ठीक है बात आपकी बेटा. दो इसकी हमारी इंपॉर्टेंस सामने आती है. एक तो ये कि अगर आप इसका स्लोप निकाल लोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल गया और दूसरा अगर आप बी टी ग्राफ के अंडर एरिया निकाल लोगे वो आपको डिस्टेंस कवर्ड इन द स्ट्रेट लाइन दे देगा. हमारा थर्ड इक्वेशन जो है उसमें डिस्टेंस कवर्ड आता है ऐसा आता है उसके लिए हम क्या करेंगे कि एरिया अंडर द वी टी ग्राफ निकाल लेंगे. एरिया अंडर वी टी ग्राफ ये बच्चों आपको डिस्टेंस कवर्ड दे देगा. एरिया अंडर वी टी ग्राफ इट विल बी इक्वल टू बेटा एरिया किसका ट्रापीजियम का कौन सा ट्रापीजियम ओ ए बी सी. ट्रापीजियम के एरिया का फॉर्मूला याद है हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स. सो दिस इज इक्वल टू 1/2. पैरेलल साइड्स कौन सी हैं ये और ये आपका यू के बराबर ये आपका वी के बराबर. लिख देता हूं पहले ओ ए प्लस बी सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है दोनों में ओ सी बेटा ये आ गया. इट इज इक्वल टू 1/2 ओ ए बेटा कितना है स्मॉल यू बी सी कितना है स्मॉल वी ओ सी कितना है सिंपली टाइम के बराबर राइट. फर्स्ट इक्वेशन बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है. यहां से आप टी निकाल लो टी आ जाएगा वी माइनस यू अपॉन ए. इसको यहां पुट कर दो we will have 1/2 v plus u v minus u upon a. 2a ko left side pe le jao. yes 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 we will get that 2a s 2 aur a multiply ho ke idhar aa gaya idhar s tha ha kya tha isme v square minus u square is equal to 2s. बोलो अब क्या अभी रुक जाओ बेटे ऐसे नहीं पीरियड की थोड़ा पढ़ लो ना फिर चले जाना. यस बेटा और किसी भी बच्चे का कोई पॉइंट हो पहले दो चैप्टर्स कंप्लीट आज आपका टेस्ट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा और हां जी थोड़ा लिख लिया करो बच्चों लिख लिया करो थोड़ा कोई फायदा हो जाएगा आपको
लिखा हुआ तो अच्छी बात है, रिवाइज हो जाता है द्वारा लिखने से। अगर आप रिवाइज कर लोगे साथ साथ तो इट विल बी वेरी इजी टू राइट द थिंग्स इन द आंसर शीट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, अदरवाइज फिर भूल जाता है बच्चों को। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह रहे हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग बेटा हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात किया करते हैं जनरली, एंड हियर ये आपका सर्कुलर ट्रैक हमने इमेजिन किया, सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक को ओ लिख दिया। कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास और ये इसका रेडियस आप कह दो बेटा स्मॉल आर है, आपका ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट होता है मूव करना, मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, मूव करते 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 ये बी पॉइंट पे पहुंच गया और ए से लेकर बी तक उसको टी के बराबर का टाइम लग गया। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? ए। और जिस पॉइंट पे वो रुक गया है वो कौन सा है? बी। ए से लेकर ओ तक एक लाइन बनाई, बी से लेकर ओ तक एक लाइन बनाई, इन दोनों लाइंस ने सेंटर पे जो एंगल बना दिया दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा जो है ये ए बी आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस के बराबर हुआ करता है। इसको आप रेडियन में मेजर कर सकते हो और इसको आप डिग्री में भी मेजर कर सकते हो, राइट? डिग्री और रेडियन का रिलेशन भी देखो बेटे, बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है, ये भी देख लीजिए आप। लेट मी ड्रॉ दैट। चलिए बात करके देखते हैं डिग्री और रेडियन कैसे रिलेटेड हैं। ए पॉइंट से आपका ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ, डायग्राम की तरफ देखिए जरा बेटे, एक मिनट इधर ध्यान दो। ए पॉइंट से आपका ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ, बी पे रुका नहीं, पूरा चक्कर कंप्लीट करके वापस ए पे आ गया, ठीक। एंगल थीटा कितने का होगा? ये 360 डिग्री का होगा। ये पूरा आर्क लेंथ कितना हो गया? सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर के बराबर, नीचे आर एस एच है, आर कट गया, 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर आ गया। ऐसे कर दें पाई रेडियन 180 डिग्री, 1 रेडियन 180 अपॉन पाई डिग्री। पाई की वैल्यू याद है कि नहीं? कितनी होती है? कितनी? दोबारा बोली, 22/7। पक्का देख लो, ठीक बोला है, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक, इट इज 22/7। सो 1 रेडियन आपके पास बच्चों आ गया 180 अपॉन 22/7, राइट बेटा? कितने डिग्री हो गया? इट इज 180 इंटू 7 बाई 22 डिग्री। इसको थोड़ा सॉल्व करना होगा हमें, ये 11 और ये 90, 11 8 आर 88, 2 बच गए, 20 हो गया, लगभग 2 आ जाएगा, 7 2 आर 57.4 डिग्री। सो बच्चों 1 रेडियन 57.4 डिग्री के बराबर आ जाएगा आपका। देख लीजिए, कोई पॉइंट नहीं पता चला पूछ लीजिए, ऑल क्लियर? पाई की वैल्यू, हाँ जी बेटे, कहाँ जाऊं? बेल होने पे जाना है, अभी नहीं जाना। हाँ सर जाने देते हैं, मैडम मना करते हैं ना, ऐसे नहीं होता। हाँ जी बेटे देखो, पहले दो चैप्टर्स आपके कंप्लीट हैं, कोई भी पॉइंट पूछ लीजिए एक्सरसाइज का, कोई न्यूमेरिकल अदरवाइज कोई प्रॉब्लम, कोई पॉइंट, कोई न्यूमेरिकल, कोई थ्योरी का कंटेंट। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होता है, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। इसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको बता देता हूं, ओमेगा इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन एंड इट विल बी इन रेडियन पर सेकेंड और इट विल बी इन डिग्री पर सेकेंड। क्लियर?
कोई और बात? दोनों चैप्टर्स आपके इंक्लूडिंग एक्सरसाइज न्यूमेरिकल कंसेप्चुअल या कोई और बात बोल दो। ऑल क्लियर सारा? चलिए फिर न्यूटन और डाइन में रिलेशनशिप फटाफट डिराइव करके बताइए आप लोग। हाउ इज वन न्यूटन रिलेटेड टू, नहीं वो तो 10 रेज पावर पाई तो ठीक है, उसको डिराइव करके देखो ना, दो तीन स्टेप्स हैं, करके देख लो जरा। न्यूटन और डाइन, हाँ जी बेटे, न्यूटन और डाइन कैसे रिलेटेड हैं जरा रिलेशनशिप डिराइव करके देख लीजिए। वन न्यूटन एंड वन डाइन, इनको कैसे रिलेट करोगे आप? न्यूटन एंड डाइन, हार्डली एक मिनट का काम है, हो गया बेटा? वेरी गुड। क्यों भाई अभी कर रहे हैं, फटाफट करिए। दिखाना तो करो ना फिर बेटे, जल्दी करो, ऐसे मत करो। कितना मुश्किल काम है, आसान काम है, सीधा सीधी बात है। प्रॉब्लम लग रही है इसीलिए मैंने पूछा था। फोर्स एफ आपका एम इंटू ए होता है, वन न्यूटन अगर फोर्स हो आपका, ये वन किलोग्राम वन मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? हंड्रेड के थाउजेंड, थाउजेंड के हंड्रेड, ठीक है 1000 हो गए। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100, सो 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक दो तीन चार पांच हो गए 10^5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। इसी को आप डाइन बोला करते हो, दिस इज 10^5 डाइन्स। This is how you are to relate the two. Done. कोई और आपका point रह ना जाए? Have a re-look on all the ideas you have covered till now. Numericals, conservation of momentum के हों या force के हों, कोई भी आपका point ना रह जाए बेटे undiscussed. Check it out. फटाफट अपने pages पलट के देख लो बेटा। सारे पेजेस एक बार बेटे पलट के देख लो, आपका चैप्टर वन से लेकर चैप्टर टू के एंड तक कोई भी पॉइंट आपका रह ना जाए आपका। इट इज ऑल वेल, ऑल डन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। सो देन बेटा गुड लक टू ऑल। बैठ जाओ बेटे, अभी बैल तो होने दो। यस, अगर तो आपको कहें कि ग्राफ से करो तो आप ग्राफ से ही करोगे, अगर आपको कहें डेफिनेशन से करो तो डेफिनेशन से करेंगे, अगर वो किसी का नाम नहीं लेते देन इट इज योर चॉइस। कौन से कह रहे? सेकंड किस मेथड से? फार्मूला से, उसमें तो देख लो बेटे हार्डली दैट इज नॉट एट ऑल मैटर। आपको पता है जो डिस्टेंस कवर्ड है ये एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, वी प्लस यू अपॉन टू इनटू टाइम आ जाएगा। वी की वैल्यू आप जानते हैं यू प्लस ए टी होती है, यहां पुट कर दो एस आ जाएगा यू प्लस ए टी प्लस एन अदर यू अपॉन टू इनटू टी, एस इज इक्वल टू यू प्लस यू टू यू प्लस ए टी अपॉन टू इनटू टी, ये आ गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दैट्स इट।